का इंतजाम भी है। ये अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप लोगों को? पता सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मज़े से हूँ। तो भाई आज जो है ना सियान सिफान के लिए एक सरप्राइज़, और वो क्या सरप्राइज़ है मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा सरप्राइज़ है क्योंकि सियान सिफान का था आज रिज़ल्ट, तो मैंने उनसे कहा था कि अगर तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा ना तो मैं तुम्हें जो है ना एक सरप्राइज़ दूँगा, वो सरप्राइज़ मैंने पहले से मंगा के रखा हुआ है। तो अभी चलते हैं, लेकिन उससे पहले आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, हाँ तो भाई अब बारी है इनके रिज़ल्ट देखने की। ये देंगे दोनों बच्चे अपना रिज़ल्ट लेकर आए हैं स्कूल से, और सबसे पहले जो है हम खोलेंगे सिफान का रिज़ल्ट और देखेंगे सिफान का रिज़ल्ट क्या आया है। लाइए सिफान, दिखाइए ज़रा, खुशी देखें, खुशी आए। अगर आपको पता है, अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया ना तो बाबा आपके लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए। बताऊँगा अगर रिज़ल्ट अच्छा आया तो फिर सरप्राइज़ दूँगा मैं आपको, सही है ना? तो भाई रिज़ल्ट देखते हैं अभी, और ये देखें आप, ये है मोहम्मद सिफान की रिपोर्ट कार्ड, और इसमें है सिफान की, वाओ 91.21%, वाओ क्लैपे। हाँ तो भाई ये बार ये है, ये रिज़ल्ट है सिहान का। अब सिहान के हम परसेंटेज देखते हैं कि सिहान की परसेंटेज कितनी आई है, और पहले देखने से तो खुशी पहले बना रहे हो, क्या रिज़ल्ट आया है भाई? ये देखें आप, ये है मोहम्मद सिहान की रिज़ल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, और इसमें है परसेंटेज सिहान की 92.31। वाह भाई, बोल भाई, ताली 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 भाई, देख लें अल्हम्दुलिल्लाह। माना कि भाई बहुत छोटी क्लास है प्री नर्सरी, लेकिन इन बच्चों के लिए तो भाई क्लास ही है ना। अब हम उसको कंपेयर कर लें भाई, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास में तो नहीं है, 6 क्लास में तो नहीं है, तो भाई बच्चों में तो हर क्लास बड़ी होती है। हमारा तो पी नर्सरी में भी इतना नहीं आया था भाई, माशाल्लाह हमारे दोनों बच्चों का जो है अच्छा रिजल्ट आया है। और सिहान को जो है स्कूल से ना एक और चीज़ ही मिली है, और वो ये मिली है कि सिहान को शौक से स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का बहुत, तो सिहान को ये मिला है ये अचीवमेंट रिवॉर्ड, अचीवमेंट अवार्ड, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में था तो गुड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, तो भाई सिहान को ये मिला है। और सिफान को जो है ना, अभी मुझे पता है इसको शौक जो है ना स्पोर्ट्स का इतना नहीं है, इसको शौक है ज़्यादातर जो है ना साइंस वाली चीज़ों का, इन चीज़ों का, तो इस तरह इन फ्यूचर जो है इस तरह के इवेंट जब स्कूल में होंगे तो इंशाल्लाह हमारे सिफान को भी मिलेगा। क्यों भाई, पक्की बात है ना? अवार्ड लेकर आओगे ना आप भी, जैसे सिहान लेकर आया है? हाँ, तो भाई ये अवार्ड लेकर आएंगे, सही है। तो मैं इनका रिजल्ट रखता हूँ, इससे पहले जो है ना मेरी मम्मा आए और देखेंगे तो आप रिपोर्ट कार्ड ख़राब करना है दोबारा बच्चों की, तो मैं रखता हूँ और आपको भी बताऊँ सरप्राइज़ क्या है। हाँ तो भाई अब बारी है सिहान सिफान को जो है ना उनका जो है क्या कहते हैं सरप्राइज़ बताने की। तो मैंने जो है ना सिहान सिफान के लिए सोचा था कि मैं सिहान सिफान को के लिए स्विमिंग पूल मंगाऊँगा। भाई मैं सिहान सिफान के लिए जो है ना स्विमिंग पूल लेकर आया हूँ, बहुत बड़ा सा, फिर मैंने सोचा था जब इनका रिजल्ट आएगा जिस दिन, मुझे पता था मेरे बच्चों का अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मैंने सोचा था जिस दिन का अच्छा रिजल्ट आएगा ना तो उस दिन हम स्विमिंग पूल निकालेंगे और अपने घर को जो है ना फार्म हाउस बनाएंगे और फुल इन्जॉय करेंगे। तो चलिए कपड़े चेंज करते हैं, मैं भी कपड़े चेंज करता हूँ सिहान सिफान। हाँ भाई आप रेडी हैं? तो भाई ये भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, और हमारी छोटी सी मंटू जान भी रेडी हैं, प्याली सी, तो हम सब रेडी हैं और कपड़े चेंज करते हैं और आपसे मिलते हैं अब स्विमिंग पूल में। मैं बच्चों की नहीं है लेकर आया हूँ ये स्विमिंग पूल, ये देखिए आप लोग। तो अब देखते हैं, बहुत कोशिश मेरी ये थी कि बड़े से बड़ा मंगाऊँ, लेकिन यार अवेलेबल सिर्फ यही था। अब ये देखते कितना बड़ा है, सही है, और फिर इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्स तो मैंने कर लिया है, और ये हमारी मंतू रानी आ गई हैं। इसको सबसे पहले मंतू, क्या है ये स्विमिंग पूल? आप नहीं नहीं करोगी इसमें? तो भाई अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है इसकी, अब देखते हैं अंदर से कितना बड़ा निकलता है, क्या है, कैसा क्या सीन है, और आपको दिखाते हैं ब्लॉग में सारा कि भाई किस तरह का स्विमिंग पूल है। A few moments later. बिस्मिल्लाह। सांसवान खींचो।
वेट 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 वेट, हटो 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 हटो, मेरी YouTube फैमिली देख रहे हैं आप, इतना मुश्किल काम है खोलना। बेगम को बुलाया था लेकिन वो हमारी आती नहीं है। दरअसल काम का टाइम है ये। ये सियान जापान जो है वेट कर रहे हैं अपने स्विमिंग पूल में पानी भरने का, लेकिन ये जो छोटा जो है ना हमारा छोटा पीस, ये जो है ना पहले इसमें सबर नहीं है, पहले से ही जो है ना फलांग फलांग में जा रहा था इसमें। बैठ जाओ मंदिर, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ। नाइट सूट में ही आ गया है बच्चा। Fifteen minutes later. जी मेरी YouTube फैमिली, भाई ये देख रहा है आप, हमने घर को ही फार्म हाउस बना दिया है और यहाँ बच्चों की खुशी का आलम देखें। भाई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, मैं तो बहुत छोटा समझ रहा था, लेकिन सही है साइज। और अभी जो है ना इसके अंदर आपका भाई भी जाएगा शाहरुख के व्लॉग्स, और बेगम को भी लेके जाएंगे इसमें, मम्मा को भी लेके जाएंगे, सबको लेके जाएंगे इसके अंदर, और गर्मी का फुल मज़ा उठाएंगे और फुल इन्जॉय करेंगे जैसा कि बच्चे कर रहे हैं। ये देखें आप, बेहतरीन काम हो गया, ये सबसे ज़्यादा ये कर रहा है, ये छुटंकी हमारे घर का। ए ओ मंटू गिर गया। तो आई होप कि आपको मज़ा आया आज के व्लॉग में, और इस अगर मज़ा आया तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो आपको लाजमी करना है, ठीक है ना। बच्चे नहा रहे हैं, सही है, थोड़ी देर मैं भी नहाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, जब तक ये स्विमिंग पूल भर जाए पूरा, फिर मैं आपसे स्विमिंग पूल भर के मिलता हूँ, ठीक है। One hour later. अब बारी है आपके भाई के ज्वाइन करने की, और ये मैं चला स्विमिंग पूल के अंदर। ठंडा हो रहा है, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई, सैम डूब तो नहीं जाऊंगा, पक्की बात है, छोटा सा है, आप मुझे बचा लोगे हैं? पिकनिक मनानी है हमारे घर आ सकता है, फुली इनविटेशन है भाई, आ जाए आप सब, हमने फार्म हाउस बना दिया है अपने घर को, और ये देख ले भाई फुल मज़ा आ रहा है, फुल आ हा 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या ज़रूरत है तेरा पर हेड देने की, जब अपने घर में सारे काम हो जाए तो सच्चा और क्या है भाई, क्या है, वाह वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब मानू आने वाली सोच रहे, फिर आपको दिखाते जब मानू रहेगी। चुकी स्विमिंग पूल के अंदर बहुत मजा आ रहा है, बहुत गर्मी में बहुत पानी ऐसे थोड़ी नहाते हैं। और ये देखे आप भाई, पूरी फैमिली, बच्चे, बेगम, अम्मा, सब हम नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा आज का, और भाई पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करना है, ठीक है। और मैंने जैसे कहा था कि भाई ईद खत्म हो, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ आपके लिए कॉन्टेंट लाता रहूँगा, तो भाई इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहेंगे, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी करें। हाँ भाई, तो भाई कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, नहा धो लिए, अपने मिनी फार्म हाउस से जो है ना बाहर आ चुके हैं, तो अब बारी है खाना खाने की एज यूजुअल, क्योंकि दोपहर का टाइम हो चुका है, खाने का टाइम हो चुका है। तो आप भी तो गए थे, आप भी तो नहाए थे ना स्विमिंग पूल में बाबा के साथ, बाबा अकेले गए थे क्या? तो ये बच्चे हमारे तरह थोड़े बेचारे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हैं, इनको याद दी अभी नहाए थे लेकिन इनकी समझ रहे बाबा गए थे, दोबारा लेके जाऊंगा मैं बेटा, शर्ट बड़ी हो जाएगी, क्या कर रहे हो ये?
तो खाने के टेबल पे आ चुके हैं और खाना है हमारा आज का ये भाई खिचड़ी है, खिचड़ी बोलो दलिया, दलिया है जिसमें तेल का नामो निशान नहीं है, है मतलब लेकिन जो जैसे अमूमन तड़का लगता है ना वो चीज़ नहीं है। और दही बड़े हैं थोड़े से बेगम ने बनाए क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था काफ़ी दिनों से, डाइटिंग कर रहा था तो मैंने कहा चलो मैं आपके थोड़े से बना देती हूँ, आप थोड़े से खा लें ताकि आपकी क्रेविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस ये खिचड़ी खाते हैं, बगैर तेल वाली ये सब चीज़ें खाते हैं, चटनी है सॉरी दलिया भाई दलिया और खिचड़ी निकले जा रहे हैं, क्योंकि शक्ल इसकी खिचड़ी वाली हुई हुई है देखें आप, तेल नहीं है ना इसमें, तड़का वड़का कुछ भी नहीं है, हल्का सा है। क्या डाला है आपने? चिकन डाली मैंने इसमें आपके लिए कि आपको फील हो कि इसमें वो भगा या वो नहीं है। अच्छा बेगम ने चिकन डाली है, मास्टर शेफ पाकिस्तान में ये कुछ कॉम्पिटिशन जीत कर आई थी तो इनको सब चीज़ें पता हैं इनको सब चीज़ें पता है तो ये कॉम्पिटिशन जीती है मास्टर शेफ। वो जो आपने नाम सुना ना कज़न बुराग उनकी भतीजी हैं, वो है ना बहुत बड़ा शेफ तुर्की का, आप लोगों को सुना होगा, तो उनकी भतीजी हैं ये सगी। तो मिलते हैं खाना वाना खा के और आप भी ये सब ट्राई कर सकते हैं अपनी डाइटिंग में, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तो एक साथ मिलके फिर दुबला होंगे इंशाल्लाह ताला। और आप कमेंट्स में अपने इंस्टाग्राम के जो मेरी प्रोफाइल है ना आपने डीएम करिएगा अपनी पिक्चर्स, आपका वेट लॉस हो जाए तो मैं अपने जो है ना इंस्टाग्राम पर सबकी पिक्चर्स लगाऊंगा और अपनी भी लगाऊंगा और अपने साथ साथ आप लोगों की भी लगाऊंगा जिससे मेरा वेट लॉस करना है। ठीक है खाना खाते हैं और थोड़ी देर आपसे मिलते हैं। हाँ भाई तो सीन कुछ अब ऐसा है, माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि हमने खाना खाना खा लिया है और एज़ यूजुअल जैसा कि आपको पता है कि हम लेते हैं दोपहर में पावर नैप, तो मैं तो भाई पावर नैप लेने जा रहा हूँ लेकिन हमारे रूम का जो मेरे बेडरूम का माहौल है ना वो फुल जो है ना ऐसा बना हुआ है कि जैसे फुल प्लेलैंड, दिखाता हूँ आपको भाई क्या हो क्या मतलब क्या सीन है क्या माहौल है ये देखें। तो भाई वो अपने वहाँ टॉयज निकाल के बैठे हुए हैं दोनों, सही है, और ये हमारी इधर मंतू जान जो है ये इधर टॉयज निकाल के अपने बैठी हुई अपनी मम्मा के साथ, तो फुल जो है ना मतलब इस वक्त जो है ना खेलने का सीन चल रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि मैं सो पाऊँगा नहीं सो पाऊँगा क्योंकि मैंने रूम में ना जैसा कि आप देख रहे हैं फुल माहौल बना दिया सोने का, फुल हल्की हल्की लाइट पीछे से आ रही है और सुकून से मैंने कहा सोऊंगा मज़े से, तो मैंने फुल ऐसा माहौल बना दिया था कि मुझे आसार लग नहीं रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहरहाल मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद पावर नैप लेके थोड़ी बहुत नींद अपनी पूरी करके अगर मिल गई तो। अप्रॉक्सीमेटली 10 hours later जी दोस्तों, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सो के उठ चुके हैं, VIP नींद पूरी करी आज, ज़बरदस्त मज़ा आया, बच्चों को बेगम ने बाहर भेज दिया था तो भाई नींद पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सीन है भाई, सीन ये है कि हम ससुराल जा रहे हैं मैं और मानूर, क्योंकि गाड़ी जो है ना हमारी बिल्कुल रेडी होके वहाँ आ चुकी है, क्योंकि गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत काम था तो वो मैंने जो है ना अपने सारे साहब से बोला गया थोड़े मोटे दो चार काम तो ये भी करवा दो, तो ना ठीक है हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रेडी होकर आ चुकी है, तैयार शैयार हो चुका हूँ और ये बेगम बैठी हुई है, बेगम भी फुल तैयार हुई हुई हैं, तो हम दोनों तैयार हो चुके हैं, तो अब चलते हैं गाड़ी लेने के लिए। लेकिन जाएंगे कैसे बताता हूँ। हाँ तो भाई जाएंगे हम ऐसे कि मैंने जो है ना राइड बुक कर ली है और कुछ थोड़ी देर में बस राइड आने वाली है, तो आज हम जो है ना बहुत टाइम बाद जो है ना ऐसे राइड का मज़ा लेंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी होती तो मुझे पड़ती नहीं है। तो अब जो है ना बहुत टाइम बाद जो है ना मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का दौर याद आई है, जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करता था तो अक्सर मैं ऐसे राइड में या रिक्शे में या किसी उसमें कभी कभार चले जाया करता, मैं अक्सर जाया करता था। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी आ चुकी है तो अब गाड़ी में जाते हैं, सब चीज़ें गाड़ी में करते हैं सारे काम, तो गाड़ी का भी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं ससुराल में। हाँ तो भाई ड्राइवर हमारे आ चुके हैं बैठते हैं गाड़ी में और जल्दी से चलते हैं और जल्दी से फिर घर आते हैं क्योंकि भूख भी बहुत लग रही है, खाना शाना खाना है, तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी से घर आते हैं। जी मेरी YouTube फैमिली, तो भाई ससुराल से गाड़ी ले ली है तो वहाँ पर कुछ था नहीं घर में तो बस मैंने चाबी उठाया और गाड़ी लेके निकल गया मैं और बेगम, और गाड़ी का हाल जो है ना बहुत बुरा हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि उस दिन जो है ना भाई मैकेनिक बस खड़ी हुई थी तो इसलिए जो है ना ज़रा ऐसी हाल हो जाता है। तो कल ज़रा ये जाएगी ज़रा नहाने धोने शावर लेगी ज़रा अच्छा सा, फिर ये रेडी होगी तैयार होगी और आप देख रहे हैं भाई धंधो माशाल्लाह फुल तैयार है, आए हाय फुल शशके भाई फुल शशके। तो बस आप चलते हैं घर पर, आप फिर आपसे मिलते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो ठीक है फिर मिलते हैं आपसे घर में पहुँच के। जी दोस्तों, तो हाँ तो भाई आ गए हैं घर पे अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी और शाड़ी लेकर आ गए हैं और सारे काम हो गए, थोड़ा बहुत काम थे गाड़ी में तो बस उसके लिए दी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम अल्लाह पाक ने करा दिया साथ खैरियत से। अब बारी है खाना खाने की,
खाने के टेबल पे बैठ चुके हैं। और बेगम ने जो है ना इस दफ़ा थोड़ा स्पेशल बनाया मेरे लिए, और वो स्पेशल ये बनाया कि बेगम ने आज बनाई है मेरे लिए बिरयानी। तो भाई काफ़ी दिनों से डाइटिंग कर रहा था तो मैं बिरयानी सब सारी चीज़ें खा नहीं सकता था, लेकिन ये बिरयानी ऐसी है कि डैड वाली बिरयानी, क्योंकि उसमें ऑयल का इस्तेमाल समझो ना होने के बराबर है और बिल्कुल जस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, कोई ज़्यादा वैसा नहीं जैसे आमतौर पर बिरयानी बनती है। तो खैर बहरहाल आप बिरयानी खाते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है? तो आप फिर एक दफ़ा और देख लें, और इसकी रेसिपी के लिए आप शेफ़ मानू से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, इनके इंस्टाग्राम पेज पे क्रिएटिव पेन नाम से इनका पेज है, तो आप वहाँ उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। जैसा कि मैंने दोपहर में आपको बताया था कि कज़न बुराक जो है इनके जो हैं चचा हैं, उनकी भतीजी हैं, तो मास्टर शेफ़ का अवार्ड जीत चुकी हैं पाकिस्तान से ये। तो मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद और बिरयानी खा के, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। 15 minutes later। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, हमारा छोटा सा मिनी फार्म हाउस आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि भाई गर्मियाँ बहुत हैं तो बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया, तो मैंने सोचा आज बच्चों को जो है ना फुल एंजॉय कराया जाए। तो आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय करा हो। तो भाई अगर आपने एंजॉय करा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है ना? तो और हाँ भाई, डाइटिंग शाइटिंग जो फॉलो कर रहा है तो करता रहे, कुछ पूछना है तो मुझसे कमेंट्स में या जो है इंस्टाग्राम पे मेरे आके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है? तो मैं जितनी कोशिश हो सके कर रहा हूँ, और जो है ना अच्छा रिजल्ट आया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन जो है ना जो भी आपको वीडियो देख के आप जितना फॉलो कर सकते हैं आप फॉलो करें, ठीक है? तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छे ब्लॉग के साथ, इस उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।